मामला जिला अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट का है, जहां स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हाथों में पट्टिका लेकर 783 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलने वाली मजदूरी के आदेश को उत्तर प्रदेश में लागू करवाने की मांग की है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब केंद्र की सरकार इस आदेश को जारी कर चुकी है, तो तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में भी ये आदेश जारी हो जाना चाहिए। लंबे समय से सफाई कर्मचारी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। जो पैसे उन्हें मिलते हैं, उसमें उनके परिवार का गुजारा नहीं होता। यही कारण है कि उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, आज जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन उन्होंने कलेक्ट्रेट में दिया है ये साहब के लिए, और उसमें हमारी जो मांग है महत्वपूर्ण मांग है, जो इस समय महंगाई चरम सीमा पर है और जो सफाई कर्मचारी है, जो जिसको काम को जो देखना पसंद ना करता वो सफाई कर्मचारी इस गंदगी को शहर को साफ सुथरा रखने का काम करता है, उसमें भी उनकी मजदूरी कम दी जाती है, हम लोगों की मजदूरी कम दी जाती है हमको। तो हमारा अभी केंद्र सरकार ने 783 रुपये का अभी जल्द ही शासन आदेश जारी किया है, तो हम राज्य में भी चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 783 के रुपये से पर डे प्रतिदिन के हिसाब से 783 रुपये उत्तर प्रदेश में भी लागू किया, जिससे सफाई कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान। ये स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ ने एक ज्ञापन दिया है कि 783 रुपये प्रतिदिन के जो घोषणा हुई है मजदूरी का, उसी हिसाब से भुगतान कराया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मत ज्ञापन है, वो हम देखते रहिए। डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।